सो हेलो बट सब गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल को देख ही लिया होगा, दोस्तों जैसा कि जानते हो भाई, एमएस टकाडक अब जो है दूसरे की अमानत हो चुकी है। मतलब पहले जो एमएस टकाडक भाई एमएस टकाडक था और एमएस टकाडक वालों का था, अब एमएस टकाडक जो है एमएस टकाडक को मोज अपने अब खरीद लिया है। मतलब इसका ओनर ही बदल चुका है। तो एमएस टकाडक पर वो भाई रूल्स भी बदल चुके हैं। अब दोस्तों वो रूल्स जो बदल चुके हैं, उन रूल्स में आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप एमएस टकाडक से पैसा कमा पाओगे। अगर अब वो 3 बातें अगर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते हो, अच्छी तरीके से अपनी वो तीनों चीज़ें अपनी वीडियोस में यूज नहीं करते हो एमएस टकाडक पर वीडियो बनाने के बाद, तो भाई आप एमएस टकाडक पर आगे चल जो न्यू अपडेट आने वाला है, जैसा कि जानते हो अभी नया अपडेट आया था जिसमें वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि आप लोगों को विश्वास बन चुका है कि एमएस टकाडक पर ऐसे अपडेट आने वाले हैं जिनसे आप लाइव ऑप्शन हो गया, रेफर प्रोग्राम हो गया, टी कॉइंस हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पे जो इवेंट्स आने वाले हैं और बहुत सारे पैसे कमाने से रिलेटेड न्यू फ्यूचर आने वाले हैं एमएस टकाडक पर। अगर वो 3 बातें अगर ध्यान नहीं दोगे, जो मैंने एमएस टकाडक टीम से बात की जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, अगर उस तरीके से आप नहीं करते हो तो आप एमएस टकाडक से कभी भी नहीं पैसा कमा पाओगे मेरे भाई। तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो में पूरी डिटेल बता दूंगा किस तरीके से आपको आगे काम करना है। जैसा कि न्यू अपडेट आने वाला है तो न्यू अपडेट के हिसाब से अभी से जब काम करना स्टार्ट करोगे तो आप आगे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो कौन से 3 स्टेप जो है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एमएस टकाडक पर अब जो न्यू अपडेट आने वाला है, तो उसकी मदद से ही आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एमएस स्टार से रिलेटेड कप्स आने वाली मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसा कि जानते हो एमएस टकाडक पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप एमएस टकाडक पर क्यों पैसा नहीं कमा पा रहे हो। जैसे कि पीछे एमएस टकाडक पर ऐसा अपडेट था कि मतलब पीछे तो उसका मतलब सिस्टम ही बेकार था, तो थोड़ा बहुत आप पैसा कमा लेते थे, लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे आपको क्या बातों का ध्यान होगा, पहले स्टेप में आपको क्या कम करना होगा। जैसे एमएस टकाडक पर आपको भाई साहब रेगुलर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे क्रिएटर्स होंगे जो एमएस टकाडक पर वीडियो बनाते हो, जिनके पास कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी लोग संडे को वीडियो बनाते हैं या उनके पास किसी दिन टाइम ही नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो वो एक दिन वीडियो बनाना छोड़ देते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों ऐसी पोजीशन में आपको क्या कम करना है, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ दिनों में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या कम करना है, आपको 3, 4, 5, 6 वीडियो आपको एक दिन में जिस दिन टाइम मिले आपको 5-6 वीडियो आप अपने एमएस टकाडक पर वीडियो शूट करके रख लीजिए। ठीक है, जिस टाइम आप काम आपके आप बिजी हो तो उस टाइम आपके पास कोई टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को उठा के वहाँ पर डाल सकते हो, आपका रेगुलर वीडियो भी अपलोड होता रहेगा और आपका कंटिन्यू काम चलता रहेगा। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो एमएस टकाडक पर तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट भी ग्रो होगा और अच्छे खासे फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, एमएस टकाडक से पैसे कमा पाओगे मेरे भाई। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में आपको क्या काम करना है, दूसरे स्टेप में भाई एमएस टकाडक पर यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी इवेंट्स आते हैं, पहले कि अगर आप एमएस टकाडक के क्रिएटर्स बनना चाहते हो, एमएस टकाडक पर पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। आपको कोई भी वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं शूट करनी होगी। आपने देखा होगा जैसे बड़े से बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं वो उनकी वीडियो हर वीडियो भाई हैशटैग से रिलेटेड होती है। जितने भी एमएस टकाडक पर डेली जो इवेंट्स आते रहते हैं उन सब पर अपनी वीडियो को अपलोड करना है। अब आप कहोगे एमएस टकाडक पर कभी कभी 3-3 ऐसे जो इवेंट्स आ जाते हैं जिन पर हमें वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिस दिन 3-3 इवेंट्स आ रहे हैं आपको किसी टाइम निकाल कर भाई अगर पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उस दिन तो मजबूरी है, तो आपको एक दिन में 3 वीडियो भी अपलोड करनी पड़ सकती हैं। तो भाई इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते रहना है कंटिन्यू, आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पार्टिसिपेट करोगे, इससे क्या होगा, आपका एकदम अकाउंट भी ग्रो होगा और अच्छा खासा जो इवेंट्स में पैसा मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, और एमएस टकाडक के रूल्स के हिसाब से आप चलते चले जाओगे और एकदम आप अच्छे खासे फेमस क्रिएटर भी बन जाओगे। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में आपको क्या कम करना है, तीसरे स्टेप में सबसे बड़ी गलती आपको यही सुधारनी है कि अपनी वीडियो की क्वालिटी को ध्यान दीजिए और अपने कंटेंट को ध्यान दीजिए। काफ़ी लोग क्या कम करते हैं, जैसे कि एमएस टकाडक पर वीडियो बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई साहब, आज तो उन्होंने कॉमेडी टाइप की वीडियो डाल दी, कल एटीट्यूड टाइप की वीडियो डाल दी और कल लिपसिंग से रिलेटेड वीडियो डाल दी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये गलती कर देते हो ना, अगर आप मिक्स कंटेंट बनाते हो, तो भाई साहब आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एमएस टकाडक पर लॉन्च पैड का ऑप्शन जो आने वाला है, लॉन्च पैड में आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा और जो एमएस टकाडक क्रिएटर क्लब में आप भी नहीं जा पाओगे और आपका एमएस टकाडक भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा अगर आप जो है अपने कंटेंट पर ध्यान नहीं देते हो। तो आपको अपने कंटेंट पे भाई ध्यान देना है कि मतलब आपको एक ही कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनानी है, जितनी भी आप वीडियो बनाते हो एमएस टकाडक पर आपको एक कैटेगरी को लेकर चलना है। जैसे अगर कोई भी कैटेगरी आप एक चूज़ कर लो, जैसी आपकी इच्छा जो भी आप बनाना चाहते हो भाई एमएस टकाडक पर वैसा ही बनाओ,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप यही बनाओ, जो आपके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट यहाँ पे आप दिखा सकते हो, लेकिन वन कैटेगरी के ऊपर चलोगे तो आपको भाई एमएसट कार्ड की तरफ से सैलरी वगैरह और बहुत सारे एमएसट कार्ड पर जो गिफ्ट वगैरह आते रहते हैं वो सब आपको मिलेंगे। अगर ये एमएसट कार्ड पर कैटेगरी तो आपको चेंज ही करनी पड़ेगी। अब हालांकि मेरे चैनल के ऊपर देख लो, अगर मेरे पास वही सब्सक्राइबर हैं जो एमएसट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी शायद हमारे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब किया कि आप एमएसट कार्ड पर वीडियो बनाते हो, एमएसट कार्ड पर वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हो, शायद आपने इसीलिए सब्सक्राइब किया करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपके एमएसट कार्ड के अकाउंट के ऊपर भी होता है। जैसे अगर आप अलग अलग कैटेगरी की वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियोस पे लाइक नहीं आएगी, आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएगी, आपकी वीडियोस पे फॉलोवर्स नहीं आएंगे और आपका अकाउंट ग्रो भी नहीं होगा। तो इसी का चक्कर है, सबसे बड़ा यही फंड है कि आपको अपनी वीडियो भाई एक कैटेगरी के ऊपर बनाओगे तो जितने भी फॉलोवर्स होंगे, जैसे मैं आपको फॉलो करूंगा तो किसी न किसी कॉमेडी, जैसे कॉमेडी अगर आपकी पसंद आई मुझे तो मैंने आपको फॉलो कर लिया, अगली वीडियो तुम डाल रहे हो भाई ब्लॉगिंग से लेकर लिपसिंग से लेकर, तो मैं उस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे जो पसंद है वही देखूंगा, तो इसीलिए मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो भाई साहब आपको यही चीज़ें ध्यान देने की, अपने कैटेगरी के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और भाई मिस्ट कार्ड पर बहुत ही जल्द हाल ही में अपडेट आने वाला है, क्योंकि इसी अपडेट में आपको जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर करते हो तभी भाई आप लॉन्च पॉइंट में और क्रिएटर क्लब में आपका अकाउंट वेरीफाइड भी होगा और मिस्ट कार्ड की तरफ से आपको सैलरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको तीनों स्टेप को फॉलो करते रहना है कंटिन्यू। तो जैसे ही मिस्ट कार्ड पर अपडेट आएगा उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर, ठीक है? तो मिलते हैं कोई नई वीडियो नहीं तो, जय हिंद, वंदे मातरम।